वेलकम बैक टू जफर व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपका बच्चा ऐसे गिर जाए तो उसके लिए क्या करना है। और अक्सर ऐसा हुआ होगा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आपके साथ ये चीज़ हुई होगी कि आपने अगर बेड पे उन्हें सोने के लिए छोड़ दिया है या वो खेल रहे हैं, आप 2 मिनट के लिए उठ के गए तो बच्चा गिर जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे वीडियो में कितने इंसिडेंट्स होते हैं। और आप लोगों के लिए, मैंने जब मेरा भी बच्चा 2 बार गिर गया तो मैंने एक्सपेरिमेंट करा और नेट पे सर्च करा कि इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि आप कितने भी जुगाड़ कर लीजिए, नीचे क्वेश्चंस लगा लिए, कुछ भी लगा लिए, वो इतना काम नहीं आता है, वो जगह से हट जाएगा या जो भी है। तो खैर, मैंने जिसका आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू बताया था क्वालिटी के बारे में, आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको इंस्टॉल कैसे करें। आइए मैं आपको पार्ट से करता हूँ। इसके अंदर निकलेंगे आपके 2 एंगल्स, ये नेट, ये 3 पतले वाले डंडे जो कि आपके हॉरिजॉन्टली इसमें लगेंगे, ये आपके 2 वर्टिकल रॉड्स जिसमें ये लॉक करने के लिए बटन होता है, और ये प्लास्टिक के कुछ, इसको आप क्या बोलेंगे, क्लैंप्स बोलिए, जो भी, जिसके थ्रू ये सब आपस में अटैच होगा। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसको आपको कैसे इंस्टॉल करना है। इसको बहुत ध्यान से देखें, और इसमें मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताऊँगा जिसमें मैं आपको परेशान हुआ था थोड़ा, कि उसको इन क्लिप्स की वजह से मैं थोड़ा सा एंड में, एक इससे पहले जो मैंने इंस्टॉल कर रखा ऑलरेडी है उसमें, वो जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था। तो उसका भी मुझे सोल्यूशन मिल गया है कि उसको कैसे लगाना जिससे आराम से लग जाए, फिर नेट ना फटे। तो आइए शुरू करते हैं। फिर ये देखिए, आप पहले ये पतले वाले लीजिए, इस बटन को दबा के इसको यहाँ सेट करिए, और दूसरी तरफ से ये 3 रॉड हैं, 3 इसमें पीस हैं, इसको दबा के ये करिए, तो ये आपका एक लंबा एक रॉड बन जाएगा। एक मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, अपना इसको मेन जो नेट है इसको आप खोलिए, अब आपको ये देखना है दोस्तों कि पॉकेट जो है बाहर की साइड आनी चाहिए, अंदर भी कर सकते हैं, ज्यादातर लोग बाहर ही इसको रखते हैं। अब आपको ये जो आपने रॉड दोनों तैयार किए हैं, एक तो ये आपको इसमें ऊपर से जाएगा अंदर, ये आपको इसमें डाल देना है, और दूसरा वाला जो है, और एक चीज का ध्यान और रखना आपको कि ये बटन जो है ये ऊपर की साइड रहे, क्योंकि इसी को दबा दबा के आपको ये क्लैंप लगाना है। ऐसे ही सेम नीचे इसको लगा दे, ठीक है। अब आपको एक, पहले आप ये क्लैंप ले लीजिए और एक रॉड ले लीजिए। ये जो बटन है बड़ा वाला, इसको आपको ऊपर, मतलब जो उसका फ्रंट का जो ऊपर का है टॉप, उसमें उसकी तरफ रखना है। ये ना आपने ये इसको साइड से डाल दिए। अब आपको क्या करना है, इसमें ये जो क्लैंप है जिसके अंदर ये बड़ा वाला कट दिया हुआ है, ये आपको पहले इसको इसके अंदर डालने से पहले ऊपर पहुंचाना है यहाँ तक, क्योंकि बाद में फिर लगेगा नहीं। अब आप इसको इसके अंदर डालिए यहाँ से, हो गया, और इधर आपका ये नीचे पतला वाला है। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए इसको जो है इधर की तरफ मुंह करके आप यहाँ लगा देंगे, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे ही रहेगा, और जो ये बटन है ये वाला इसमें लग जाएगा। ये देखिए, ये लग गया। इस वाले को ऊपर से आप जोड़ लीजिए, बटन दबा के अंदर कर दीजिए। इस साइड का हमारा रेडी है। अब दूसरी साइड दिखाता हूँ मैं आपको क्या करना है। सेम इसी तरह पहले ये बड़ा वाला क्लिप, ये ध्यान रखना आपको, अब जैसे कि ये इधर सारे राइट साइड से रोड, तो ये राइट साइड रहेगा इसका, ये मेन जो वो है बेंड, इसको आपने ऊपर कर दिया पहले। अब क्या करना है, ये यहाँ पे आने के बाद आपको मैं एक चीज़ बता दूँ जिसमें मैं काफ़ी परेशान हुआ था पहले इसमें। अब जब लास्ट वाला हमारे लास्ट रॉड का काम रह जाएगा तो आप पहले ऊपर का सिस्टम जोड़ेंगे फिर नीचे का। अगर आपने उल्टा कर दिया, पहले नीचे का लगाया तो ऊपर वाले को आपको बहुत खींच के लगाना पड़ेगा, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि मेरा ये कपड़ा फट सकता है। अब आप इसको
इधर से अंदर करिए इसको, इसमें आप पहले पूरी तरह अंदर नहीं हुआ, हाँ अब आप इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। और अब देखिए लास्ट में हमको क्या करना है, इसमें ये वाला लगा के और इसको इससे, हाँ अब पहले आपको क्या करना है, ये छोटा वाला बटन लगाना, मतलब छोटे वाले पाइप में जो लंबा वाला पाइप है इसमें पहले लगाएंगे आप, फिर इस चौड़े वाले में लगाएंगे तो आपका ये इजीली लग जाएगा, वरना आपको परेशानी होगी। ये देखिए अब आपको क्या करना है, ये जो आपके एल 90 डिग्री के आए हैं साथ में एंगल्स, एक इस साइड लगेगा एक इस साइड। एक्चुअली क्या होता है, यही गद्दे के नीचे रहेंगे आपके, जो आपके मैट्रेस हैं उसके नीचे रहेंगे, और उसके वेट की वजह से जैसे बच्चा इसको धक्का देगा तो क्योंकि इसके ऊपर गद्दा रहेगा आपका मैट्रेस, तो ये हिलेगा नहीं, मतलब ये गिरेगा नहीं जो वॉल होगी। तो इसको हम लगाते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये अंदर की तरफ रहना चाहिए, जैसे कि पॉकेट अगर बाहर है तो ये उसके अपोजिट लगेगा। आपको क्या करना है, एक साइड से तो ये सिंगल है पत्ती और एक साइड से ये डबल है चैनल की तरह, तो आपको ये जो डबल वाला चैनल वाला ये अंदर करना है, और अपने उसकी जो आपकी थिकनेस है मैट्रेस की उसके हिसाब से हम अपने ये सेट करेंगे किस में आपको ये स्क्रू और नट लगाना है। तो मैं इसको मेरे जो मैट्रेस की वो है उसके हिसाब से मैं सेकंड नंबर पे इसको रखूँगा, नीचे से जो सेकंड नंबर है। यस अब इसके साथ में आए हैं, तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ ये एंगल्स को कैसे लगाना है। इसके साथ में एक तो ये पतले वाले स्क्रू आते हैं, इसका इन्होंने इसलिए दिया हुआ है, इसका पर्पज़ ये है कि अगर आपको ये लगाने के बाद लगे कि ढीला है, ये मेरा बच्चा गिर सकता है, तो आप इसको अपने बेड में नीचे जो ये वाला जो सिंगल वाली जो पत्ती है इसमें आप इसके स्क्रू बेड के साथ लगा सकते हैं, तो ये बेड के साथ फिक्स हो जाएगा आपका, बट आपको उसके लिए अपने बेड में एक छेद करना पड़ेगा उसको लगाने के लिए। और अब हमको जिसका काम है वो है ये वाले, ये देखा जाए तो दोनों स्क्रू की तरह है बट एक नट की तरह काम करता है, इसके थ्रू आप जो है इसको यहाँ पे लगाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसके लिए आपके पास दो स्क्रू ड्राइवर होने चाहिए, आप इसको कैसे भी लगा सकते हैं, कोई सा भी कहीं से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने नीचे से छोटा वाला लगाया और ऊपर से मैंने ये रखा और अपने स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर दिया। ये आप इसको पूरी तरह से टाइट कर लेंगे। अब क्या करना है आपको, ये आपका रेडी हो चुका है, अब आप इसको उठाइए, एक मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, दूसरा वाला मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगाना है। आपको अपना साइड से लगा दिया है और इस साइड से भी हमने, अब आप देख सकते हैं एक बार कैसे लगा है मैंने, ये आपके दोनों एंगल इस तरह आ जाएंगे आपके बेड पे, ठीक है, यही सपोर्ट रहेंगे, यही इसको गिरने नहीं देंगे, और एक साथ में ये लॉक आएगा, ये इसके साथ में ऊपर से लॉक आता है, इसको आप टाइटली लगा दिए तो ये अब इधर को पूरे इसको सिस्टम तो आपके सपोर्ट नहीं देगा। अब आपको क्या करना है, जब आपको अपने बच्चों को अकेले छोड़ कर यहाँ जाना हो अपने रूम में, आप इसको ऊपर उठाइए, तो इधर से थोड़ा सा उठाइए, फिर इधर से उठाइए और ऊपर करेंगे लॉक लग जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा सो रहा है या आवाज़ से उठ भी सकता है तो आप इसको ऊपर करेंगे, इसको पकड़ के बटन को आराम से धीरे से छोड़ेंगे तो कम आवाज आएगी, और इसी तरह सेम इसी तरह आप इधर से लॉक कर दीजिए। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा आप आराम से करेंगे तो इतना शोर नहीं होगा। ये आपका बन चुका है, अब आप देख सकते हैं ये लगने के बाद कैसा लग रहा है, आपका बेड चारों तरफ से कवर्ड हो जाएगा। अगर अब हमारा बेड तो जो है एकदम दीवार से मिला हुआ है, तो हमने तीसरा वाला नहीं मंगाया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, हमारा दो साइड से ओपन था तो हमने दो ऑर्डर किए थे। आपको तीन ऑर्डर करना है, आप तीन कर सकते हैं, एक की ज़रूरत है तो आप एक भी कर सकते हैं। एक आपको ये पड़ेगा कम से कम 1500 या 1600 रुपये का अमेज़न से, इसका मैंने लिंक दे रखा ऑलरेडी और मैं और बता दूंगा इसमें।
ये देखिए, ये हमारा बेटा हम्माद हम्मू, इस तरह आपका बेटा सेफ हो जाएगा। अभी इसको कितना भी हिला ले, ये एकदम मजबूत है, फिक्स है। मेरा थोड़ा सा इधर गैप है तो मैं यहाँ पे कुछ लगाऊंगा ताकि जिससे इधर का भी मेरा ये फिक्स हो जाए। बाकी ये नहीं गिरेगा, मुझे अब तक ऐसा लग रहा है कि मेरा रिव्यू है। और अगर आपको लगे कि ढीला हो रहा है कि नहीं गिर जाएगा, तो आप इसके स्क्रू जो दिए हुए हैं उससे आप इसको फिक्स कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया, अब जैसे कि आपको इसको खोलना है, यहाँ से इसका बटन दबाइए और दूसरी तरफ से इसका बटन दबाइए और इसको आप नीचे कर दीजिए। ये लीजिए पूरा सिस्टम, आपको बार बार नहीं हटाना, इसको आप नीचे करिए, जाइए अंदर, आइए, अपना काम करिए, बच्चों को अकेला छोड़ना है, वापस इसको उठा दीजिए। ये लीजिए आपका बच्चा एकदम सेफ है। क्यों भाई अम्मू, सेफ फील कर रहे हो? आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये जो चीज़ है ये यूनिक लगी होगी क्योंकि ये कम ही लोगों ने देखी है, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखी थी और मुझे अच्छी लगी। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और आगे इंशाल्लाह मैं और वीडियोस डालूंगा। थैंक यू।